नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का प्रसंग है, मैंने अपने गुरुजी से सुना एक कंजूस बुढ़िया की। वो बुढ़िया बहुत कंजूस थी, लेकिन बहुत बड़े शिव भक्त थी। हमेशा भोले बाबा का नाम जपती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, झाड़ू देते हुए, खाना बनाते हुए, स्नान करते हुए, लेकिन दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे भगा देती थी। खूब डांट फटकार लगा के, क्या मेरा ही घर है तुम्हारे लिए? और कोई बगल में तुम्हें घर दिखाई नहीं पड़ा, मांगने आ जाते हो? ऐसे करके बुढ़िया भगा देती थी। बहुत लोग आए, साधु सन्यासी फकीर बहुत लोग आए, लेकिन किसी को बुढ़िया ने एक दाना नहीं देती थी, उसे लौटा देती थी द्वार से। बड़ा निराश हो जाते थे सब कोई जाके। उसकी इतनी हाई फाई बुढ़िया थी कि शिव लोग तक चर्चा होने लगी। और शिव जी के पास भी गए लोग तो बोले कि देखिए भाई, एक भक्ति तो आपकी बहुत है, बहुत अच्छा, आप ही में लीन रहती है, लेकिन एक बहुत कंजूस है बूढ़ी। बोले क्या है? तो वो बुढ़िया जो है किसी को दान नहीं देती है, बहुत स्वमीन है, तो जो भी आता है द्वार से उसको लौटा देती है। भोले बाबा बोले ये बात है तो मैं जाता हूँ, परीक्षा लेता हूँ। फिर शिव जी एक दिन उसके द्वार पे जाते हैं तो बुढ़िया वैसे ही काम करती है, ओम नमः शिवाय करते रहती है, नहाते वक्त, खाते वक्त। फिर भोले बाबा दरवाज़ा खटखटाते हैं तो खोलती है, तो बोलते हैं कि दीक्षा दो माँ जी। बोले अभी क्यों आए हो, सुबह का टाइम है, काम का समय है, अभी नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। भोले बाबा बोले ठीक है, मैं दोपहर के आ जाऊँगा। फिर भोले बाबा चल दिए उसके दरवाजे से। फिर दोपहर में आए तो बुढ़िया बोले अरे अभी तो सोने का टाइम है, खा पी के अब क्या आए हैं, अब दूसरे बार आइएगा शाम को। बाबा कहे कि ठीक है भाई, अब शाम के आएंगे, कोई बात नहीं है, अब अभी गाँव में ठहर जाते हैं, आएंगे शाम को घूमते घामते। फिर शाम को भोले बाबा पधारे बुढ़िया के घर में। बुढ़िया बोले अभी तो खाना बना ही नहीं है, अभी क्यों आ गए, रात में आइएगा। फिर भोले बाबा परेशान हो गए, बोले कि लगता है कि आज भी दाल नहीं गलेगा, बुढ़ी हमको खाना नहीं देगी, कुछ नहीं देगी, चले गए भोले बाबा। फिर बाबा रात में आए तो बुढ़िया बोली कि अब तो देर से आए हैं, रात में अब तो खा पी लिए, अब खाना ख़त्म हो गया भोजन, अब आपको क्या देंगे, कुछ भी नहीं है मेरे घर में, जाइए आप। भोले बाबा चले गए। फिर दूसरे दिन आए सुबह में, बोले अब सुबह में आइएगा। फिर आए, फिर आप दरवाजे पे आ गए सुबह सुबह, क्या बार बार आते हैं। आखिर भोले बाबा को थक कर फिर शिवलोक जाना पड़ा और परीक्षा ले लिए, समझ गए कि बुढ़िया बहुत चालू है, देगी नहीं एक पैसा, चले गए। उसके बाद जमराज जी आए, उनको अंतिम समय आया तो जमराज जी प्राण लेने के लिए आए, बुढ़िया का अंतिम समय था तो जमराज आए। तो बुढ़िया सोची कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, अगर हमको जमराज ले जाएंगे, हम तो शिवलोक में जाएंगे। फिर बुढ़िया कहने लगी कि मैं शिवलोक में पहले जाऊंगी और शिव जी से बात करूंगी कि मुझे यमराज कैसे आ गए लेने। तो यमराज भी चक्कर पड़ गए कि अब क्या करें, बुढ़िया तो जा नहीं रही है। बोले ठीक है, चलिए 5 मिनट का हम समय दे रहे हैं, आप भोले बाबा से बात कीजिए, क्या बात करेंगी। तो ले जाता है तो भोले बाबा देखते हैं, हंसने लगते हैं कि अरे तो वही बुढ़िया है जिसको हमको दरवाजा से लौटा दिए। तो बोले कि बताइए नाथ, हम तो रोज़ दिन आपका नाम जपते हैं, ओम नमः शिवाय, आपने हमको क्यों ऐसा सजा दिया कि जमराज को भेजे और मुझे नरक लोक में भेज रहे हैं। तो शिव जी बोले कि मैं भी तुम्हारे द्वार से लौटा हूँ, तुमने पाप तो किया ही है, किसी को आज तक भिक्षा नहीं दी हो, किसी को भोजन नहीं कराई हो, दरवाजे से तुम लौटा दिए, तो किसी को दरवाजे से लौटाना बहुत पाप होता है, तो इसलिए तुम ऐसा काम की हो इसलिए तुमको नरक में जाना पड़ रहा है। तो बोले कि ठीक है, अब तुम मेरे से जो गलती हुआ ठीक है, लेकिन मुझे 15 दिन का समय दीजिए। तो भोले बाबा बोले ठीक है, जहाँ इतना समय दिए 15 दिन और। फिर भोले बाबा उसको मृत्युलोक में भेज देते हैं, बुढ़िया जिंदा हो जाती है। उसके बाद खूब दान पुण्य करती है, साधु को बुला के भोजन कराती है, फिर बहुत अथी करती है, साधु संत को खिलाती है पिलाती है, सबको भिक्षा देती है, सोना चांदी गहना छाता चप्पल जूता जितना भी होता है सब देती है, पानी देती है पीने के लिए, मैंने कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बुढ़िया नहीं छोड़ती है अपनी ज़िंदगी में, मैंने 1 सप्ताह 15 दिन में सारा कंप्लीट कर देती है। उसके बाद भोले बाबा खुश हो जाते हैं और उसके बाद धर्मराज को भेजते हैं, तब बुढ़िया खुशी खुशी भोले बाबा के पास चली जाती है, बहुत आनंदपूर्वक जीवन बिताती है। इसी के साथ मैं दूसरे ब्लॉग समाप्त करती हूँ, नमस्कार। इसी से हमें सीख मिलती है कि जब भगवान ने आपको दिया है सब कुछ धन संपत्ति, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए,
ना कि दुरुपयोग। ठीक है, भगवान की भक्त हैं तो भक्त का मतलब ये नहीं है कि किसी को दरवाजे से लौटा दे। आपके पास है धन तो उसको सहायता कीजिए, उसको पूर्ण कीजिए। किसी को वस्त्र नहीं तो वस्त्र दीजिए, खाने का नहीं है तो खाना भोजन दीजिए, पानी नहीं है तो पानी दीजिए। तो धर्म करना चाहिए, खाली कर्म करने से नहीं होता, कर्म माने कर्म भी करना चाहिए धर्म के साथ साथ। कर्म होगा तभी ना धर्म का प्राप्ति होगा, कर्म ही नहीं रहेगा तो कैसे। इसलिए आदमी को सीख लेना चाहिए बुढ़िया से कि कितनी कंजूस थी, लेकिन जब उसको नरक में जाना पड़ा उसको सीख मिला तो वो संभल गई। तो हम लोग को भी ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है तो उसमें से थोड़ा सा हम दे देंगे किसी को तो मेरे थोड़ी ना कम हो जाएगा। इसी तरह हम लोग को भी ऐसा पुण्य का काम करना चाहिए, आप लोग भी करिएगा, कभी किसी को दरवाजे से लौटाइएगा नहीं। बस आखिरी मेरे यही कहना है।